अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजाइनर तस्नीम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू कैप्सिकम फ्राई। देखने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है ना, ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट रहता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करें। इसके लिए स्टोव पर मैंने कढ़ाई रख लिया और उसमें मैं डाल ले रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है और उसमें मैं डाल ले रही हूँ बारीक कट करके रखा हुआ 5 लहसुन की कलियाँ। डाल के हमें इसको मीडियम फ्लेम में 30 सेकंड के लिए भुने। अब हम उसमें डालेंगे बारीक कट करके रखा हुआ अदरक 2 टेबलस्पून भर के। डाल के इन दोनों चीज़ों को 30 सेकंड के लिए, इसका कलर हल्का सा ब्राउन है तो हमें इसको मीडियम फ्लेम में भून लेना है। ये देखिए मैंने इसको हल्का सा ब्राउन है तक इसको भून लिया है। अब उसमें हम डालेंगे बारीक कट करके रखा हुआ बड़ा साइज 1 प्याज। डाल के हमें इसको चलाते हुए प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन है तक इसको भून लें। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रही हो, अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। प्याज हमारा हल्के से भुन गया है और उसमें मैं डाल ले रही हूँ कट करके रखा हुआ बड़ा साइज 1 आलू। डाल के हमें इसको अच्छे से भुने मीडियम फ्लेम में। मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसमें मैं डाल ले रही हूँ सॉल्ट स्वादानुसार। डाल के इन सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करें। मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको लिड कवर करके पका लेंगे। मैंने इसको लिड कवर करके 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लिया है और इसको एक बार अच्छे से मिक्स करें। दोबारा हमें इसको लिड कवर करके 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ही पका लेंगे। ये देखिए आलू हमारा 50% अच्छे से पक चुका है और इसका कलर हल्का सा ब्राउन होने लगा। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। इस समय अब उसमें हम डालेंगे कट करके रखा हुआ मीडियम साइज 2 टमाटो। टमाटो को ऐड करें। डाल के इन सारे चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करें। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैंने टमाटर्स को ऐड करके लिड कवर करके इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लिया है और ये देखिए इस तरह अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कट करके रखा हुआ कैप्सिकम। मैंने कैप्सिकम को इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया। 200 ग्राम्स ऑफ कैप्सिकम को लेकर मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ। डाल के इसको एक बार अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसको लिड कवर करके 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लें, क्योंकि ज़्यादा समय कैप्सिकम को हमें ढक के नहीं पकाना है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट को और थोड़ा ऐड कर लिया और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। डाल के इन सारे मसालों को कैप्सिकम के साथ अच्छे से मिक्स करें। इन सारे चीज़ों को मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको लिड कवर करके मीडियम फ्लेम में 4 मिनट के लिए पका लें। ये देखिए 4 मिनट के बाद कैप्सिकम हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको बिना लिड कवर किए मीडियम लो फ्लेम में चलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए कैप्सिकम और आलू जो है हमारा इस तरह अच्छे से गल चुका है, आप भी देख सकते हैं। तो इस समय आपका स्टोव का फ्लेम को बंद करें। इस रेसिपी को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी आलू कैप्सिकम फ्राई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।